भाई बड़ी बहन छोटी बहन को जूते बना रही है, और ये आरुष आरुषी ये क्रोक्स है ना, अब ये छोटे हो गए आरुष आरुषी को तो रखे रखे। हाँ, और अब नंदनी पहन हाँ, दो दो जोड़ी क्रोक्स हो गए भाई नंदनी के तो है, दिखाना जरा भाई। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज गए हैं, अभी तक इनको तैयार नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा लेट जगे थे, नींद अभी खुली है। रात को जब लेट हो जाते हैं, और रात भर प्रीति ने रात के 12:30 बजे तक शायद ये साफ किया स्टोर, क्योंकि बहुत टाइम लगता है डीप क्लीनिंग में। तो जी अजी, हाँ मैं तो छत पर चली गई थी। हाँ इधर को आओ, दिखाओ आरुषि को। कल से यहाँ पे कुछ हुआ है, साइड टोन्सिल फूले हुए हैं, तो इसको फिर से दुखन हो रही है। मम्मी रात को तो यहाँ पे बस दुखन थी, अभी तो यहाँ पे भी। बेटा सा दबाते नहीं, छूना नहीं से बिल्कुल भी, ठीक है? शायद ये टोन्सिल फूला हुआ है इसको यहाँ पे, ये देखो, और छूने भी नहीं दे रही। कोई बात नहीं, आप रेडी हो जाओ और फिर जो है दवाई दे देंगे नाश्ता करवा के। और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी इनके लिए आलू के पराठे। हाँ, और आज भी आप ही देना, लाए तो थे रात भैया। हाँ भैया लाए थे रात इनकी दवाई, और इनके पापा को भी थोड़ा सा आराम है, रात फीवर तो खैर हुआ नहीं। मैंने भी ले ली थी दवाई। और ये माला निकाल दो आप, ये मम्मी की होती है बच्चों के लिए। अभी ये छोटी होगी। छोटी होगी? हाँ। किसने बोला आपको छोटी होगी? ये देखो शाओ अपने आप पहन के बैठगी। नू कह रही रात को मैंने नींद में से निकाल ली ना, तो नू कह रही है ना निकाल लो, या तो मेरी है छोटी होगी अब तो। रात भी नहीं कह रही नींद में रात के 2 बजे, और अब भी यही कह रही। ये माला ना लपेटे खा रखे थे, मैंने सोचा लाओ निकाल दूं रात को। देख बेटा इसे स्कूल में नहीं पहन के जा करते। कोई भी बच्चा नहीं पहन के जाता, जो कोई लेके जावे तो मैडम ले ले। हाँ कभी नहीं देती। चलो बच्चे खड़े हो जाओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है अभी। ठीक नहीं है? आज तो मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, ये देखो इसे नहीं लग रही ठंड, तो जोन सी आओ उड़ जाएगी। कुछ नहीं है, दवा रखी। इसे देख लो, रात को नींद में भी निकलन दे रही थी माला को। हम पोचा लगावे तो सब चप्पल लेके बढ़ जा, और जो ये पोचा लगावे तो एकदम कह दिया। मैं देख रही थी जाके कैसा साफ करा, तो चप्पल ना लेगा ये अंदर बिल्कुल भी। अरे काट दे चक्कर, हम तो कभी भी नहीं कहते चप्पल ना लेगा, चली भी जा हम ध्यान रखेंगे। देख लो, चलो भाई चप्पल काट रही मैं भी, चप्पल निकाल गए और जब देखूंगी। अच्छा ये जितनी सारी दवाइयां है ये तो इसने लगा दी इस वाले खाने में, क्योंकि ये मेज पर रखी हुई दवाई चूहे भी खा रहे थे और आदमी भी खा रहे थे। सारे पत्ते जो है चूहो ने तोड़ के भगा दिए, फोड़ के भगा दिए। ए ये ना लगाइए यहाँ जलर बिल्कुल भी गुड्डू। क्यों? हाँ जलर में करंट आवे बेटा, बच्चों का घर है हमारा। और ये गुड्डू ने खुद बना रखी, देखो किस तरह की बना रखी, बढ़िया लगे वैसे। लेकिन इसने सारे पेंट पे चेट ही चेट कर दी, अपना ड्रेस का स्वेटर पहन के नहीं जाती बिल्कुल भी, जिद करके दोनों की दोनों ही जैकेट पहनना। हमारी नानी ने निकाल रखी अपने आते, इसलिए स्पेशल है ये। नहीं तो ड्रेस के स्वेटर इसका भी है, नंदनी का भी और आरुषि का भी है। आरुष तो अपना पैर जा ड्रेस का स्वेटर दोनों नन्नियों ने निकाल रखी है। हाँ भाई तू क्या कर रहा, दिखाइए। अच्छा आज इसकी ये कार मिल गई भाई, देखो बहुत पुरानी, टूट के फूट के तोड़ के मरोड़ के फिर सही हो जा। ये मोड़ के दिखाइए भाई, और फिर से जोड़ के दिखाइए। ये देखो जोड़ के चला के दिखाइए, जोड़ के चला के दिखा। और ऐसी ऐसी चीजें सब पसंद है, ये शौकीन है पूरा। तो गाइज यहाँ पर मैंने आज चूल्हा जला दिया सुबह से ही, और मैं बना रही हूँ ये गर्म गर्म फूले फूले पराठे आलू के। और आज 8:30 बज गए, या तो 7:30 बजे की टाइमिंग है इनकी स्कूल में जाने की, तो आज थोड़ा लेट है ये भी, और इनके साथ में हम भी फिर लेट हो जाएं। चलो भाई गुड्डू के पापा की तो आज तबीयत खराब है, तो अमित है यहीं से, तो ये छोड़ लिया होगा जैसा कि लेट हो गए। इनकी चली गई आज पहले, गुड्डू तो आज भी नहीं जा रही स्कूल में। और आ जाओ जी आप भी सर्दी के मौसम में, तो आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे काफ़ी टेस्टी लगे हैं। लेकिन ये हमारे बालक आलू के ही खावे हैं, जो मैं मूली के बना दूँ तो फिर भी हम ही खाने पड़े हैं। घर के बड़ों को ही सब मूली के गोभी के पूरी खा लो, देखो कैसे सफाई दे रही है उन कैमरा। वो कह रही मैं तो पूरा खा लूँ। अरे बेटा आप मूली के तो नहीं खाते हैं? मम्मी मेरे पास मुझे भी नूडल्स दीजिए ना कुत्तिया।
गाइस अभी ना ये बैड सरकार है, बाहुबली बनने ज्यादा बड़े, क्योंकि इसमें ना सारे में पैच घिसे हुए, ये जुड़ा हुआ है सारा बैड। ये देखो कितना गंदा हो रहा है, इसके इसके नीचे ज्यादा दूर तक झाड़ू नहीं जाती ना, क्योंकि ये मिला हुआ रहा है ना पीछे दीवार में, और ये भारी भी बहुत है, नया बैड है ना। दीवार पर नट कसे नहीं जाने जैसे जैसे उसने कस के। तो जी तैनात हो गए, ये होती है एक पति की सच्चाई, चाहे पत्नियां कितना भी कर ले। और इन्हें कितनी गंदगी दिखा दी, फिर भी बैठ के पिक्चर नु कह रहे तू कुचर कुचर कर ले काम, और जो कुछ होगा हो जाएगा, तू अपना पहला कुचर कुचर कर। ये ईंट पत्थर रोज घिसने से इनमें कुछ न्यारी चमक आ जाएगी क्या? चमक रहा था रे पीछे तो देखो, चमक नहीं हुई या वेर कुछ नहीं करती, अपने कमरे में जावे और चक्कर संभाले आ जा, उस चूल्हे की राख काट दे, वो नीपड़ा रहेगा क्या आज? क्या नहीं करा मैंने बताइयो, बेड नहीं सरकवाया, टेल नहीं साफ करी, बेड भाई सरकता नहीं बिल्कुल भी, इतना भारी है बाबा जी, तीन जनों पे सरका। और पता मैंने सारे तो जो लड़िया हुए ना फूल वाली सारी तो वे धो दी, सारे फ्लावर पॉट साफ कर दिए, सारे जितने भी डेकोरेटिव आइटम थे सारा तन नहीं करा हमने, कुछ नहीं करा हम, तड़की तो हाथ पाथ धर के बैठे, ठीक है आई बात समझ में? ना यार संतुष्ट, मैं संतुष्टि मिली। अच्छा तो भाई अभी स्टोर में जा रही प्रीति, फालतू फुलत के जूते चप्पल सब निकाल दिए, ये देखो ये चढ़ रही पर सामान लगान लग रही, कपड़ा दे दिया समझना, ये हल भी सी है मेरे कुछ थोड़ा सा इसमें नहीं ज्यादा है, ये कहना ज्यादा बड़ा नहीं है ये तो काम लगा। हाँ करने के बीच में बनने लगा है खाना, सफाई कर रहे थे और फिर एकदम से पिताजी आ गए, बोल रहे खाना बना दो, और मम्मी पता नहीं क्या बना रही है, और मम्मी ने 10 मिनट में खाना बना दिया। क्या बनाया? मसूर की दाल बना दी। दाल बना दी, वाह। ऐसे आलू के पराठे रखे सुबह के? एक दो रखे, मैं खाऊंगी, चलो भाई खाते, क्योंकि भूख मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। और आरुषि क्या कर रहे हो भाई? देखो ये नहीं साफ कर रही, और ये यहाँ से उतार रही थी, अभी मैंने भी सफाई करी बहुत सारी, आरुषि भी आते लग गई, स्कूल से आ रहे थे लोग, और मम्मी के कमरे में लगभग सफाई पूरी हो गई, बस टाइल साफ करनी रह रही है, और टाइल साफ करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वैसे हो गई जल्दी। चाची जी के कमरे में पूरा दिन लगा था, इसके बाद किसमें करोगे चाची जी सफाई? पूजा वाले कमरे में फिर बना दे, तो आज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नीचे का किचन, हाँ किचन रह जाएगा बस, इधर का तो हो जाएगा, मैं टाइल साफ कर दूंगी तब तक, चलो भाई हो जाएगा एक, कल तक, कल फिर सबसे ऊपर का रह जाएगा। हाँ जी नहीं पन्नी ना होता भाई, गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर ऐसे ही साफ कर दो, इसके अंदर का ऐसे ही रहने दो, ऐसे साफ कर दो, ठीक है? सिंकी अभी तक स्कूल से नहीं आई, और मैं जा नहीं रही हूँ 2-3 दिन स्कूल। बेड खिसकाना बड़ा मुश्किल हो गया था, तीन जनों ने फिर भी इसको वहीं पे सेट कर दिया, और बेड इस रूम में सिर्फ इसी कोने में सही रहेगा, अगर हम इधर लगाएंगे दीवार के साइड में तो फिर ये कपड़ खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से ये डायरेक्शन ठीक है, और सोने के लिए भी बोला जाता है कि ये वाली डायरेक्शन सही है, मन को शांत करती है। तो चलो भाई अभी जो है सारी ये क्लीन करके लगा दिए ऊपर पोर्ट, और इस रूम का भी ये फाइनल टच, इसमें बेडशीट डालनी है केवल, बाकी सब क्लीन कर दिया हमने, कबर्ड वगैरह, और बच्चों के साथ के साथ मैंने गर्म कपड़े भी निकाल दिए हैं, ये देखो लगा दिया, और उसके इसमें जो सामान रखा होता वो सब बेड में रख दिया, क्योंकि वो सामान गर्मियों का था, कपड़े पहनने के दुपट्टे वगैरह जो भी, बस वो चल जाएगा इसमें, और ये बेडशीट डाल दूंगी, साफ सफाई होगी, और प्रीति लग गया अभी यहाँ पे, देखो कुछ हेल्प गुड्डू ने की, उसने थोड़ा सा आंगन साफ किया, बेड के पीछे हो रहा था बस, ज्यादा हो भी सके बेड के नीचे हो, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि उसमें इतना स्पेस नहीं, और कहां तक उसे खिसकते, मारे तो बिल्कुल हाथ भी दुख लगे थे थोड़ी ही देर में। आज कई दिनों बाद आज उसको शिकायत थी कि मेरी बाइक आप चार्ज नहीं करते, तो प्रीति ने इसे अंदर से निकाल के स्टोर रूम में से वहीं खड़ी कर रखी थी हमने यहाँ, तो इसे चार्ज कर दिया। चलो भाई अब ये रैक खिसकवाते हैं, गुड्डू ने इसे साफ तो कर दिया था, अभी यहाँ पर मेहंदी टाइम गुड्डू का, ये मेहंदी लगाने में लग गई, और ये जो तस्वीर है ये काफी पुरानी है, गुड्डू के पापा जब ऑफिस में जाते थे बैंक में तब उन्हें ये गिफ्ट में मिली थी, ये देखो दीपावली के टाइम पर वो लेकर आए थे, आज बच्चों ने पन्नी निकाल दी क्योंकि पन्नी जो है इसके ऊपर की बहुत गंदी हो रही थी, और अभी इसको साफ कर दिया, इसमें शीशे लगे हैं, इसे यहाँ लगा दो सामने है ना ठीक रहेगा, इसमें शीशे भी है। भाई आज छोड़ गए, देखो मैं भी तेरे पापा आके चलानी गुन्नी
चला हुआ है भाई सिस्टम बता रहा। सॉरी गाइज, आज जो है व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा। लेट तो हर रोज हो ही रहा है कई दिन से, क्योंकि गुड्डू के पापा की तबीयत खराब है और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं क्लीनिंग करवा रही हूँ प्रीति के साथ में, तो ज्यादा टाइम व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से एक व्लॉग भी कम्प्लीट हो पा रहा है और बस कितने दिन बचे हैं, कल धनतेरस हो जाएगी और तो हमारे लिए, क्योंकि कल से फिर हम जो है सेलिब्रेशन में लग जाएंगे फेस्टिवल के। तो जी आप सब जो है अच्छे से दीपावली मनाना अपनी फैमिली के साथ में सब लोग मिलकर, और क्लीनिंग एरिया बड़ा है, करने वाले कम बंदे हैं और फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है, बीच में चाचा जी की भी दवाई पानी होती है, उनका खाना नाश्ता सब कुछ ध्यान करना पड़ता है पूरी फैमिली का, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। डेली का रूटीन जो है वो है, लेकिन जो अलग से काम था वो अलग से हमारा और बड़ा हुआ है। अभी इस वाले रूम की, ऊपर वाले रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है, बस साइड वाला रूम हमने क्लीन कर दिया था, वो भी एक दिन लग कर दोनों ने, मैंने और प्रीति ने। ऊपर एक रूम है सेकेंड फ्लोर पे, अभी वो भी बाकी है, बस उसमें पर्दे वगैरह कवर वगैरह तो धो दिए थे, बस उसको झाड़ पूछ करनी है, पोछा लगाना है, वो तो हो जाएगा आसानी से। लेकिन नीचे का जितना काम था, आज मेरे वाला बेडरूम जो है वो साफ हो गया है, गुड्डू का कमरा, प्रीति का, ये सब बस चिंकी के बेडरूम में जो बेड है उसमें से कुछ बिस्तरे निकालने हैं और कुछ गर्मियों के जो बिस्तरे हैं वो रखने हैं। तो ऐसे कुछ हमारा टाइम जो है ज्यादा लग रहा है और बीच में घर का भी काम होता है देखो, और आना जाना तो हर रोज किसी ना किसी का लगा ही रहता है। तो जी बस इसी करके जो है व्लॉग जो है टाइम से नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब जो है हमारी फैमिली है एडजस्ट कर लेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करते रहते हैं, बस उसी वजह से हमें दुख होता है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं अगर एक दिन व्लॉग ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप सब जो है अपने घर में ऐसे ही हम लोगों की तरह साफ सफाई में लगे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और हम सब भी लगे हुए हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम।